देखो ये मेरी अम्मी की सच्चाई, इनको ईदी देनी है तो मुझसे ईदी मांग रही है। मान नहीं रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमें बता दो कितनी किसको देना है, अम्मी को नहीं पता ये। हाँ, और उधार वाले मांग रही है, चलो ठीक है। हाँ, तो अभी हाँ, तो मांगना हाँ, वाले, अरे कल मांग लेना। इतने लोग देने को इतने रिजर्व हैं, रखे भी तो जाने के लिए रखे। मेरी दुश्मन है, बहन भी बहुत प्यारी, दुश्मन भी है, दोनों चीज मिल देख लो मार रही है देना। हाँ लेकिन सबसे बहुत अच्छे तबीयत खराब है, मुझे बहुत मोहब्बत करती है। वैसे हम लड़ जाते हैं, रोज लड़ती है, रोज लड़ती है, डेली लड़ाई होती है, किचन से ही लड़ती है, बाहर से मैं लड़ती हूँ। एक घर में तो बर्तन खटकते रहते हैं। 500 दीदी के लिए लड़ रहे हैं। 500 कहीं तो 2000 देंगे, लेकिन बाद में देंगे, अभी 500 देंगे। अभी तुम फैसला करो, वो 2000 देंगे, पहले फैसला करो तुम। वो 2000 देंगे ईद की सूट के लिए, लेकिन अभी 500 ईदी देंगे। ठीक है ईदी के लिए लड़ाई चल रही है यहाँ पे। जितनी बड़ी बहन हमें जिसको देना था हम दे चुके, आज हम बस लेंगे। ठीक है, मैं तुम्हारा भी अच्छा लग रहा है, सबको सबको उधेर उधर मची हुई है, सबके मन में चल रहा है हम कितने दे, हम कितने दे। मैं कोई फाइनेंस मिनिस्टर बैठा, उसको देना है। आपने देखा कि अम्मी और बेटी खाला के बीच चलती रहती है नोक। ये बहनों का प्यार देखकर बहुत अच्छा लगता है, जिस तरह से अम्मी अपनी बहनों से प्यार करती है। तो कुछ लोग कहते हैं कि अम्मी अपनी नंदों से प्यार नहीं करती, यानी कि सभा की जो पुप्पी है मौधा में रहती है, जब भी देखो सिर्फ नाजा खाला बेटी खाला ही रहती है, और अपने ससुराल वालों से अम्मी बिल्कुल नहीं रखते। जब भी मौधा जाती हैं तो उनके घर जाती हैं थोड़ी देर के लिए, और फिर वापस वो बेटी खाला के घर चली जाती हैं। तो आप सबको ये मालूम होगा कि बेटी खाला के बच्चे रिजा रेहान मुंबई में रहते हैं, जिसकी वजह से बेटी खाला मुंबई में रहती है। तो अब जरा आप सोचिए कि एक माँ अपने बच्चों से कैसे दूर रह सकती है, तो बच्चों की वजह से बार बार मुंबई आती रहती है। आपने देखा कि अम्मी और बेटी खाला में किस तरह से नोकझोंक चलती है, और एक दूसरे को वो मारती हुई है, तो अम्मा को बुरा लगता है तो अम्मा बेटी खाला को ही मार देती है। लेकिन अगर बात की जाए सभा की, तो सभा कभी भी अपनी माँ और खाला में फर्क नहीं करती। वो अपनी माँ से और खाला से वैसा ही प्यार करती है जिस तरह से एक माँ से किया जाता है। सभा बेटी खाला से हर बात शेयर करती है, और वो दिल से हर बात सभा की सुनती है। जहाँ प्यार वहाँ नोकझोंक जरूर होती है। अब आपसे जाना चाहते हैं, वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।